लिए काफी इम्पोर्टेंट विषय है, जिसमें बच्चे काफी रुचि भी लेते हैं, काफी इंटरेस्ट भी लेते हैं। कई बार ट्रिग्नोमेट्री किसी की जल्दी समझ में नहीं आती। आज हम बिल्कुल शुरुआत से ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक स्टेप को, ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई और त्रिकोणमिति अनुपात है क्या, और त्रिकोणमिति अनुपात में बने कैसे, कैसे नहीं बने, और इनको हल कैसे किया जाए, सभी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम लेंगे। देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। अब देखते हैं, हम आप सभी जानते हैं कि त्रिकोण कहा गया, त्रिकोण माने तीन कोण, और अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात, मिति माने माप, माप क्या है, किसकी माप, कोणों की माप। तो अगर एक त्रिभुज है, आप त्रिभुज में देखते हैं, मान लीजिए त्रिभुज है ए और बी और सी, एक त्रिभुज है, इनमें आप देखेंगे तीन त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। तो इस त्रिभुज की तीन भुजाएं ए सी, ए बी और बी सी, इन भुजाओं की देखेंगे, अगर हम इन कोणों का मान, किसी एक कोण का मान, इन दो न्यून कोण हैं, एक समकोण त्रिभुज पर हम पढ़ रहे हैं अभी, अभी जो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति बेसिक जो पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के साथ ही पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, इसमें एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें से एक त्रिभुज, एक कोण जो न्यून कोण है, इनमें से किसी भी कोण में हम इंटरफियर करते हैं, कहने का मतलब इनको कम या ज़्यादा करते हैं, तो अन्य भुजाओं का अनुपात भी अपने आप बदलने लगता है। मान लीजिए हम कोण बी को बढ़ा देते हैं, कोण बी को अगर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि इस भुजा, जो भुजा ए सी है, इसका मान अपने आप बढ़ गया, कहने मतलब ए सी बटा बी सी जो पहले था, ए सी बटा बी सी, इनकी माप में, इनकी अनुपात में परिवर्तन आ गया, और ये परिवर्तन निश्चित होता, हर कोण के लिए वो अनुपात जो होता है भुजाओं का, वो निश्चित अनुपात होता है। मान लीजिए हम इसके कोण का मान छोटा कर देते हैं, तीन भुजा छोटी हो जाएगी, भुजा वही बनी रही, तब उस स्थिति में भी इनका अनुपात जो है अलग अलग हो जाएगा। तो हमको क्या देखना है कि जो ये जो कोण होते हैं यहाँ पर, इनके मान के आधार पर इनकी भुजाओं का अनुपात बदलता रहता है। त्रिकोणमिति अनुपात में हम पढ़ते हैं कि एक अंश के लिए भुजाओं का मान का अनुपात कितना, दो अंश के लिए तीन अंश, दस अंश, तीस अंश, चालीस, पचास, साठ, जो भी अंश हम डिग्री यहाँ लेते हैं कोणों का, इन कोण एक तीस अंश के लिए एक भुजाओं का, दो भुजाओं का अनुपात निश्चित होता है। अगर जैसे कि अगर हम 45 अंश लेते हैं, कितना अंश लेते हैं, 45 अंश लेते हैं, तो 45 अंश में आप जानते हैं कि 90 अंश होगा, इस सब इस स्थिति में 45 ए भी होगा, 45 ए भी होगा, तो उस स्थिति में ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो वो कोण कितना, त्रिभुज कितना भी छोटा हो, लेकिन इनकी कोणों का अनुपात के आधार पर क्या होता है, इन भुजाओं का अनुपात निश्चित बना, त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर उनके कितने अंश का कोण है इसके ऊपर डिपेंड करता है, लंब और आधार का क्या अनुपात है, आधार लंब और आधार का क्या अनुपात है, आधार और कर्ण का क्या अनुपात है, लंब और कर्ण का क्या अनुपात है, इन ये अनुपात जो होते हैं निश्चित रहते हैं, हमेशा स्थिर होते हैं एक कोण के लिए। तो अब देखते हैं किसी एक कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात निश्चित होता है। लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन कहते हैं, लंब और बटा कर्ण, इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन। और यहां पर मान लीजिए आपका कोण थीटा है, इसको साइन थीटा कहेंगे। थीटा क्या है, थीटा एक ग्रीक शब्द है, थीटा क्या है, एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक अक्षर है, शब्द क्या है, एक अक्षर है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई फाई, उसी प्रकार इसमें ये थीटा भी एक उन्हीं में से अक्षरों में से एक अक्षर है, जो तो साइन ए वहाँ कोण की जगह पर हम थीटा का मान रख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए साइन 30 अंश है, साइन 40 अंश है, साइन 50, 60, 70, 80, 90, जो भी अंश हैं उस अंश के आधार पर हम उसको क्या, अंश ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, सीधा थीटा लिखते हैं। और साइन थीटा का मान है लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है, अब देखिए हमने कोण लिए लंब और
कर्ण ले लिया, अब हम लेते हैं आधार और कर्ण। आधार और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, नाम दिए रखा है। आधार और कर्ण के अनुपात का नाम दिया गया है काश थीटा। काश नाम रखा गया है और इस कोण पे ले रहे हैं तो थीटा रखा देते हैं। क्या लिखते हैं, काश थीटा लिखते हैं। और इसके बाद देखते हैं लंब का, लंब और कर्ण के साथ हो गया, आधार और कर्ण के साथ हो गया। अब अनुपात किसका देखते हैं हम लेते हैं आधार कर्ण और लंब और आधार का अनुपात। लंब और आधार के अनुपात को हम कहते हैं लंब बटा आधार, इस अनुपात को कहते हैं टैन, और कोण का मान रख देते हैं थीटा। टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा लंब और आधार का अनुपात हो गया। अब देखते हैं हम कि ये तीन अनुपात तो मेन है, तीन अनुपात, इन्हीं तीन आप अनुपात, तीन भुजाएं हैं, तीन कोण हैं, तीन कोण के आधार पर ट्रिग्नोमेट्री में तीन अनुपात बनाए गए हैं। और इसके बाद तीन अनुपात और बनाए गए हैं जो इनके क्या हैं, इनका प्रतिलोम, कहने मतलब इनके इनवर्स है, विपरीत, इनके व्युत्क्रम। पहला हम देखते हैं टैन का व्युत्क्रम क्या है। टैन मतलब लंब बटा आधार, इसका आधार बटा लंब लिखते हैं, आधार बटा लंब। ये होता है काट, नाम दिया गया है काट, कोण की जगह लिख देते हैं थीटा, काट थीटा कहेंगे, आधार बटा लंब। और उसके बाद जो है किसका काट, इसका विपरीत क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार होता है क्या, इसका होता है सेक, सेक थीटा नाम दिया गया है। उसके बाद है कर्ण बटा लंब, क्या है, कर्ण बटा लंब किसका होगा, साइन का विपरीत है, उसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, इसको कहते हैं कोसेक थीटा। क्या नाम दिया गया है, कोसेक के नाम से रख करके थीटा कोण की दिशा पर थीटा लगा दिया। ये चार अनुपात, एक कुल छह अनुपात हैं आपके त्रिकोणमिति, इन्हीं छह अनुपात जिस प्रकार काखा का घाव होता है, जिस प्रकार काखा का घाव होता है उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये काखा का घाव, इन्हीं से सारे कोणों अन्य पूरी त्रिकोणमिति के बाकी जितने फार्मूले बनाए जाएंगे इन्हीं तीन के, साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक, इनके इनका मान क्या होता है, किसके आधार क्या होते हैं, किसके अनुपात हैं, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा है लंब बटा आधार, कॉस थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा है कर्ण बटा लंब। हम इसको साधारणता से याद करने के लिए एक सूत्र विकसित करते हैं, वह है लाल कक्का, लाल कक्का। यहाँ देखें ये जो अनुपात है साइन थीटा का है, ये कॉस का है, ये टैन का है, या सीटी, ये साइन का अनुपात है लंब बटा कर्ण, ये कॉस का अनुपात है कॉस बटा, ये क्या कहते हैं कॉस का है आधार बटा कर्ण, और ये टैन का अनुपात है लंब बटा आधार। इसके बाद इनका विपरीत की तरफ से चलें, ये काट का हो जाएगा, ये सेक का है, और ये कोसेक का, किसका है, कोसेक। यहाँ से सीधा जाएंगे साइन काट टैन, यहाँ से वापस चलेंगे काट सेक और कोसेक, ये हो जाएगा कॉसेक का हो जाएगा आधार बटा लंब, ये आपका काट का हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस आधार पर हम इनके क्वेश्चनों को हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। मान लीजिए कहीं दिया गया है कि कॉस थीटा इक्वल चार बटा पाँच, तो बाकी अनुपात ज्ञात करिए, तो बाकी अनुपात ज्ञात करने के लिए कॉस का कॉस थीटा बराबर क्या मतलब पता चल गया आपको, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार पता चल गया आपको, कर्ण पता चल गया, आधार पता चला और कर्ण पता चला, तो हम मान सकते हैं, माना कि कर्ण आधार बराबर है पाँच चार के, क्या मानेंगे चार के क्यों माना, क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात क्या होते हैं, इनमें जो को प्राइम नंबर होते हैं वो कट जाते हैं, जो नंबर होते हैं कट जाते हैं, जो दोनों में कटने वाले होते हैं, बाकी बचता जो है उसी को छोड़ते हैं। अब देखें
ये मान लीजिए अस्थि अभिन्न दोनों संख्याओं के दो थे, ये आधार है और ये कर्ण, ये कर्ण आधार बटा कर्ण होता है, ये बराबर पाँच के हो गया। अब इसका लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण के त्रिभुज पर बना कर्ण, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने मतलब कि कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप जानते हैं यहाँ कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है आपका पाँच के वर्ग, ये बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग नहीं पता हमें, प्लस है आपका आधार का वर्ग है चार के स्क्वायर। आप लिख सकते हैं उस स्थिति में ये पच्चीस के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस सोलह के स्क्वायर, सोलह के इधर आके माइनस हो जाएगा तो लंब का स्क्वायर बचे बराबर हो जाएगा पच्चीस के स्क्वायर माइनस सोलह के स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा नौ के स्क्वायर। इस तरह से लंब का मान आप यहाँ पता हो जाएगा आपको कि लंब का मान कितना आ गया, लंब बराबर फिर क्या हो जाएगा तीन के। अब लंब का मान भी पता चल गया, इस स्थिति में आप देखें आपका क्या हो जाएगा, हमने माना था आधार कितना था, आधार ये है आपका, आधार का मान है चार के और कर्ण का मान है कितना पाँच के और लंब का मान भी आ गया आपका तीन के। अब इसी आधार इस तरह से आप जिस भी चाहें उसका मान लिख सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसमें तीन बटा पाँच, क्या हो जाएगा बराबर तीन के बटा पाँच के, कैसे के कैंसिल बराबर तीन बटा पाँच। इस तरह से किसी के भी मान आप निकाल सकते हैं, किसी भी का मान निकाला जा सकता है जितने छः के छः त्रिकोणमिति अनुपात में आपको निकाला जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसे लिखें इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।